The Mac Class is key to unlock the success Kalyanpur Kanpur. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर विष्णुकांत गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पे द मैक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आप लोग हिंदी की क्लास पढ़ रहे हो, हिंदी की ऑनलाइन क्लासों पे श्रृंखला में हम लोग इस समय समास का अध्ययन कर रहे हैं और समास पे क्रमशः हमने अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का और द्वंद्व समास का अध्ययन किया। तत्पुरुष के भी भेद प्रभेदों का अध्ययन किया हमने, कुछ समानाधिकरण का भेद किया कर्मधारय और द्वितीय के रूप में, और वेदिकरण के हमने 6 विभक्तियों के आधार पर हमने अध्ययन किया। आज हम बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। बहुव्रीहि समास हम कहते किसको हैं? आपने जब अव्ययी भाव पढ़ा था तो हमने कहा था कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता, फिर हमने तत्पुरुष पढ़ा तो हमने कहा उत्तर पद प्रधान होता, फिर इसके अंत पे जब हमने द्वंद्व समास पढ़ा था अंतिम वाले वीडियो पे आपने देखा होगा, तो द्वंद्व पे हमने कहा था उभय पद प्रधान हो द्वंदा, अर्थात ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते उसको हम द्वंद्व समास कहते थे। आज हम बहुव्रीहि की बात करेंगे। बहुव्रीहि किसे कहते हैं पहले यह बात तय करें। बहुव्रीहि की एक छोटी सी परिभाषा होती, कहता अनेकम अन्य पद प्रधान है बहुव्रीहि, जहाँ दो या दो से अधिक पदार्थों पदों का संयोग किया जाए, स्थापित किया जाए, लेकिन उससे किसी अन्य अर्थ स्थापित होता हो, कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। दो या दो से अधिक पदों को बैठाया जाए लेकिन उससे किसी तीसरे अर्थ का जन्म होता हो, वहाँ बहुव्रीहि होता। एक बात हमने और मित्रों आप लोगों को बताई थी, हमने कहा था कि समास का यदि आपको कोई भी उदाहरण स्पष्ट नहीं होता है तो आप कमेंटों के माध्यम से पूछ सकते हो, और फिर भी आपसे किसी परीक्षा पे कभी या कोई साक्षात्कार में जब आपसे समास का उदाहरण पूछा जाता और आपको तत्काल उसके समय उदाहरण उसका याद नहीं आता है तो आप उस समास की संज्ञा बता दो, उसका नाम बता दो, वो अपने आप में उसका उदाहरण होता, क्योंकि प्रत्येक समास का नाम उसकी एक परिभाषा अपने आप में स्थापित रखता है। हमने हर एक की आपको परिभाषाएं तय करा चुके हैं। आज हम बहुव्रीहि की बात करते हैं। बहुव्रीहि के लिए हमने कहा कि अन्य पद प्रधान होता। देखो बहुव्रीहि पद को जब आप तोड़ते हो, विग्रह करते हो, तो यह भी हमारा दो पदों पर विग्रह होता, एक पद हुआ बहु, दूसरा पद हुआ ब्रीहि। बहु का अर्थ होता बहुत और ब्रीहि माने होता अन्य। देखो बहुत अन्य, अब जब आपको हम इसकी पहचान बताएंगे तो हम इसकी पहचान में कहेंगे वाला है, जो, जिसका, जिसकी, ऐसे विग्रह करने पर मध्य पे कोई पहचान चिन्ह निकल के आएंगे तो वहाँ बहुव्रीहि होता। ये कहता बहुत अन्न है जिसके पास, और बहुत अन्न है जिसके पास ये किसका पर्यायवाची बना, किसान का बना, अन्नदाता का बना, अर्थात दो पद हमने स्थापित किए, दो पदों को सम्यक रूप से बैठाया और किसी तीसरे अर्थ ने जन्म ले लिया तो वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास हुआ। आपको स्पष्ट हुआ होगा, हमने आपको अव्ययी भाव पे कहा था पूर्व पद प्रधान, फिर हमने कहा तत्पुरुष पे उत्तर पद प्रधान, फिर हमने आपको द्वंद्व पे कहा दोनों पद प्रधान, इस पे हमने क्या कहा, हमने किसी तीसरे अर्थ को जन्म दिया। अच्छा, एक बहुव्रीहि और कर्मधारय के मध्य पे जब आपने इससे पूर्व में जब कर्मधारय पढ़ा था, बहुव्रीहि और कर्मधारय के बीच में बहुत भ्रम होता, हम ये तय नहीं कर पाते कि कहाँ बहुव्रीहि करें और कहाँ कर्मधारय करें। जैसे पीताम्बर शब्द है, हम ये तय नहीं कर पाते कि इसको हम कर्मधारय पे स्थान दें या बहुव्रीहि पे स्थान दें। देखो अभी तो हम बहुव्रीहि की बात कर रहे हैं, जब अगले वीडियो पे हम कई ढेर सारे आपको उदाहरण देंगे जो आपको भ्रम पैदा करते हैं, फिर आपको हम ये तय कराएंगे कि आप कैसे कर्मधारय तय करोगे और कैसे बहुव्रीहि तय करोगे। आज हम बहुव्रीहि की एक बात आपको छोटी सी बात एक बताएं, आपके सामने जिस किसी पद का समास पूछा जाए और उस समास के पद को पढ़ने के बाद जब मेरा मन पूरी तरीके से केवल एक अर्थ के लिए संचय हो जाए, एक अर्थ के लिए निश्चित हो जाए, तो आप मानना कि बहुव्रीहि है। जैसे हमने कहा गजानन, गजानन के दीर्घ संधि से तोड़ते हो तो गज धन आनंद, गज माने हाथी और आनंद माने मुख, कहता हाथी का मुख है जिसका, अर्थात गजानन माने गणेश जी। जब आप गजानन का उच्चारण करते हो तो हम तो कहेंगे ही हिंदी वाले कि गजानन माने गणेश जी, हम कहें या कोई अन्य भी कहे गजानन माने गणेश ही कहेगा। हम जो हिंदी को जानते हैं तो भी हम कहते हैं गणेश, अगर जो हिंदी को नहीं भी जानता तब वो भी कहता कि नहीं गजानन माने केवल गणेश। आप देखो जैसे हमने कहा एक दंत, एक माने एक और दंत माने दांत, कहता एक दांत वाला। अब एक दांत वाला, आप जब एक दंत कहते हो तो मेरे मन में केवल एक ही छवि उभरती है, वो भी उभरती केवल गणेश जी की। अब हम तो हिंदी वाले, आप लोग भी हिंदी वाले, आप अपने घर के छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि एक दंत किसे कहते हो तो उसके दिमाग में केवल एक ही छवि आएगी, वो भी आएगी गणेश जी की।
अर्थात बहुब्री हमसे कहता, जिस किसी भी पद को पढ़ने के बाद केवल मेरे दिमाग में एक ही छवि उभरती हो तो वो निश्चित रूप से केवल और केवल बहुब्री होता है। बहुब्री के लिए अगर आपने एक दंत की बात करते हो तो एक दांत वाले तो कई लोग हैं, लेकिन क्या जब आप एक दंत बोलते हो क्या उनकी छवि आती? बिल्कुल नहीं आती, केवल गणेश जी की छवि आती। तो इस तरीके का कोई भी शब्द जो हमको केवल एक अर्थ के लिए तय होने पर मजबूर कर दे वो हमारा केवल और केवल बहुब्री पे जाएगा। जैसे पीताम्बर हमारा क्रमधारय बहुब्री पे क्यों जाता? पीताम्बर के पीछे थोड़ा सा कारण है। हमने आपको क्रमधारय पे एक पहचान बताई थी, हमने कहा था कि क्रमधारय आप उस समास पे कहोगे जिन दोनों के मध्य, ये क्रमधारय किसका भेद था? समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद था, और समानाधिकरण तत्पुरुष पे कोई भी पहचान चिन्ह प्रयोग नहीं होता। बहुब्री पे तो पहचान चिन्ह प्रयोग हो सकता है लेकिन क्रमधारय पे पहचान चिन्ह नहीं होता। और जब हमने पीताम्बर शब्द को तोड़ा था वहां पर, तो हमने इसको दीर्घ संधि से तोड़ा था, हमने कहा पीत अंबर, पीत और अंबर, हमने इसके मध्य पे कोई पहचान चिन्ह लगाओ। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला ने वस्त्र, पीला को वस्त्र, पीला से वस्त्र, पीला के लिए वस्त्र, कोई वस्त्र, आप देखो मध्य पे कोई पहचान चिन्ह प्रयोग होता? जब नहीं प्रयोग होता तो ये पीताम्बर मेरे लिए किस पे हुआ? कर्मधारय पर। और यही पीताम्बर जब बहुब्री पे जाता तो किस तरीके से जाता? फिर हमने दोनों के मध्य पे हमने पहचान चिन्ह लगाया जिसका, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका। अब आप देखो खाली जिसका शब्द एक लगा और जिसका शब्द हमें कहीं ना कहीं संबंधवाचक अव्यय पे लेकर के जाता, तो ये हमें कहता जिसका अर्थ उसके से इससे किसी कोई संबंधित है, पीला है वस्त्र जिसका। ये हमसे कहता कोई तीसरा अर्थ निकालो, कोई भगवान का नाम निकल के आएगा, पीला कृष्ण विष्णु कोई भी नाम निकल के आएगा, जिसका अर्थ है अर्थात इसमें कोई एक अर्थ और छिपा हुआ है, तो पीला है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पर यह बहुब्री होगा। आपको एक छोटी सी परीक्षा याद होगी, एक टीटी की 2018 की परीक्षा हुई, उसमें एक शब्द पूछा गया चराचरम, और चराचरम के आगे उसने कोष्टक पे जगत शब्द लिखा था। जिन्होंने टीटी की परीक्षा दी होगी उनको ये भली भांति याद होगा, और तब उसने ये इस पे समास तय कराया था, इस पे कौन सा समास होता। अगर इस पे जगत ना दिया होता, थोड़ी देर के लिए हम अपनी ओर से इस पे जगत शब्द हटा दें और फिर हम इस पे समास तय करें कि इस पे कौन सा समास होगा। चराचरम पे जब आप देखते हो तो इस पे दीर्घ संधि से इसका विक्षेद होता, हमने इसको विक्षेद किया चर धन अचर, चर माने चलने वाला, अचर आ उपसर्ग लगा, अचर माने नहीं चलने वाला। अब आप देखो दो अलग अलग अस्तित्वों का संयोजन हुआ, चलने वाला और ना चलने वाला, जड़ और चेतन, जंगम और स्थावर, तो यहां पर कौन सा समास तय हुआ? यहां पर हमारा अभी तक इस पे द्वंद्व समास तय हुआ, चराचरम पे द्वंद्व तय हुआ। जब हम संस्कृत के समास बताएंगे तो हम आपको पहचान बता देंगे कि आप किस तरीके से पहचान करोगे। बहुत जल्दी हम आपको संस्कृत की भी क्लास देने वाले हैं, क्लास इसलिए भी देने वाले, वैसे संस्कृत की क्लासों को हो सकता हम थोड़ा विलंब से प्रारंभ करते, लेकिन एक छोटी सी परीक्षा आपकी सेंट्रल टेट की लगी हुई है। सेंट्रल टेट पे संस्कृत पे आपको वर्णमाला, संधि और समास, इनसे तो एक एक क्वेश्चन निश्चित आता है। तो आपको कई लोगों के कमेंट के आधार पर हमने ये तय किया कि कुछ क्लासें हम आपको संस्कृत की भी दे दें, वर्णमाला की दे दें, संधि की दे दें और समास की दे दें, जो कि आपको 5 जुलाई वाले होने एग्जाम पे भी आपको लाभकारी हो जाए। तो इस कारण से हम उस पर आपको कम समय पे अच्छी अच्छी पहचानें संस्कृत की स्थापित कर देंगे, जिससे आपको संस्कृत के कुछ निश्चित नंबर हम बिल्कुल तय करा देंगे। तब हम आपको बता देंगे चराचरम पे आप द्वंद्व कैसे तय करोगे, वहाँ तो आप देखते ही तय करोगे। जितनी आसानी से, जितनी सहजता के साथ आप हिंदी को पढ़ रहे हो, आप ये मानो संस्कृत आपको उससे भी ज़्यादा सहज लगने वाली है। संस्कृत आप सबसे पहले हिंदी और संस्कृत के लिए अपने मन से डर खत्म कर दो कि हिंदी हमें आएगी नहीं, हमको कोई चीज़ रटनी है, संस्कृत हमको आएगी नहीं, संस्कृत हमको रटनी है, बिल्कुल रटनी नहीं है। आप एक किसी विद्वान ने छोटी सी एक पंक्ति कही है कि हमने जब तक कोई चीज़ ठानी नहीं है करने के लिए, तब तक हमें वो चीज़ें परेशान करती हैं, जब हमने ठान लिया है तो हर चीज़ मेरे लिए आसान होगी। और
आपको देख करके कुछ लोग ये भी कहेंगे साहब कि हिंदी संस्कृत तो आ ही नहीं सकती तुमको, वो तो रटना ही होगा। उनको एक छोटी सी पंक्तियाँ सुनाना कि समुंदर को ठहरा दे कि ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठान ही नहीं है। तो अब आपने उठने की ठान ली है, अब आप हिंदी संस्कृत के प्रति बिल्कुल मन बना चुके हो कि हम इनको सीखने के बाद ही उस पर हम कोई विराम की स्थिति लाएंगे और ये स्थितियाँ आपको निश्चित परिणाम तक लेके जाएंगी। आपने बहुप्री की एक छोटी सी बात तो अच्छे से समझ ली कि जब मेरा मन और मेरे मन के साथ में हिंदी और संस्कृत भाषा का कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल ये मन में निश्चित कर ले कि इसका इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता, तो वहाँ केवल और केवल कौन सा समास होगा, वहाँ केवल और केवल बहुप्री समास होगा। जैसे कुछ उदाहरणों की बात कर लें, जैसे शब्द है मुरारी, जैसे शब्द है लंबोदर, जैसे शब्द है अंशुमाली, जैसे शब्द है चतुरानन, जैसे शब्द है दशानन। आप देखो इन पे कैसे बहुपरी है। मुरारी शब्द का जब हम विक्षेद करते हैं तो ये देव संधि से टूटता, हमने इसका विक्षेद किया मूर्धन अरी। मुर किसे कहते हो, मुर एक राक्षस का नाम था, और अरी किसे कहते हो, अरी माने शत्रु होता, अर्थात मुर नामक शत्रु को मारने वाला जो था भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, तो तीसरा अर्थ निकल के आया। इसको हमने किस समास पे रखा, बहुपरी पे। लंबोदर शब्द को तोड़ा, गुण संधि से टूटा, लंब धन उदर, लंब माने लंबा या बड़ा, उदर माने पेट, लंबा है पेट जिसका। जब आप लंबोदर बोलते हो, अगर जब इसका विक्षेद विग्रह करके इसका अर्थ निकालते हो, तो इसका अर्थ निकलता लंबा है पेट जिसका। आजकल तो लंबे पेट वाले 100 आदमियों में से 80 आदमियों का पेट तो खुद में ही लंबा है, वो अपने आप पे लंबा है वो। आप उससे अगर लंबोदर कहते हो तो क्या उसमें गणेश जी की छवि आती, बिल्कुल नहीं आती। लंबोदर कहने पर हम कहें तो गणेश जी आएंगे, कोई अन्य कहे जो ना जानने वाला है, जो कम जानने वाला है हिंदी को, तब भी वो भी कहेगा तो लंबोदर के माने केवल गणेश जी कहेगा, जबकि हो सकता है उसका खुद का अपना उदर ही लंबा हो। जैसे आप देखते हो मेरा खुद का अपना पेट निकला हुआ लंबा उदर है, लेकिन इस पे क्या बहुपरी हो जाएगा, बहुपरी नहीं हो सकता। बहुपरी के लिए हमने तय किया कि ऐसा कोई भी शब्द जिसके लिए मेरा और किसी अन्य का भी मन केवल एक ही अर्थ एक ही छवि के लिए निश्चित हो जाए तो वहाँ बहुपरी होगा। इसका अर्थ लंबोदर का अर्थ हमने कहा गणेश जी, हमने कहा गणेश जी और किसी अन्य व्यक्ति ने भी कहा गणेश जी। अंशुमाली, इसको जब आप दो पदों पर विग्रह करते हो तो अंशुधन माली। अंशु किसे कहते हो, अंशु माने किरण, माली माने लाने वाला ले जाने वाला। जब अंशुमाली आप पर्यायवाची पढ़ोगे तो अंशुमाली माने भगवान सूर्य, अंशुमाली कहते हो तो केवल भगवान सूर्य का ही तो ध्यान आता, तो इस पे कौन सा समास हुआ, बहुपरी समास। चतुरानन शब्द को तोड़ते यह भी दीर्घ संधि से टूटता, चतुर्धन आनन, चतुर माने चार। ये सब जब टूटेगा तो इस पे चतु पे विसर्ग आ जाएगी, ये विसर्ग संधि का है। चतुधन आनन, चतु माने चार और आनन माने मुख, चार मुख वाला, अर्थात ब्रह्मा जी की आया नाम चतुरानन ब्रह्मा जी, कौन सा समास हुआ, बहुपरी। दशानन शब्द को तोड़ते हो तो दश धन आनन, दस माने दस, आनन माने मुख, दस मुख वाला। अब आप देखो प्रत्येक शब्द पे दो पदों को मिलाया लेकिन तीसरा अर्थ निकल के आया, मुरारी लंबोदर अंशुमाली चतुरानन दशानन। आप इस पे ये बिल्कुल पहचान बनाओ कि जहाँ पर जिन दो पदों को स्थापित करने के बाद मेरा मन ये निश्चित हो जाए कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं स्थापित हो सकता, तो वहाँ पर मेरा केवल और केवल बहुपरी समास होता है। इसकी एक पहचान भी बना लो, जब कभी विग्रह करने पर हमको वाला शब्द मिल जाए, है जो शब्द मिल जाए, जिसका जिसकी जिसके ऐसे शब्द मिल जाएँ, तो वहाँ हमको बहुपरी पहचान करनी है। ये शब्दों को आप नोट कर लो, और इसके नोट करने के बाद में आप विग्रह करने पर इन शब्दों को स्थापित करोगे और उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा तो वहाँ केवल और केवल बहुपरी समास होगा। हमने कौन कौन से शब्द बताए, एक तो हमने बाला बताया, दूसरा शब्द हमने है जो बताया, तीसरा जिसका बताया, चौथा जिसकी बताया,
विग्रह करने पर इनकी पहचान निकल कर आए, ये हमें किसी तीसरे अर्थ तक लेकर जाने में सक्षम हो जाएं, तो वहाँ पर हमारा केवल और केवल बहुब्री समास होगा। हमने आज बहुब्री की बात करी, बहुब्री के बाद पे प्रमुखता हमारे समासों की बात पूरी होती है, लेकिन समानाधिकरण के कुछ गौड़ भेद भी होते हैं जो परीक्षाओं पे आने लगे हैं, नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, उनकी चर्चा करेंगे। और बाकी अगले वीडियो पे हम जो आपका कर्मधारय और बहुब्री के बीच में आप प्रभेद भेद कैसे करोगे, इन कौन से शब्द में बहुब्री है, कौन से शब्द में आपका कर्मधारय है, इसकी भी पहचान करने का तरीका बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को निरंतर देखो और आगे वाले वीडियो पे आपको ये सारी चीज़ों के भ्रम स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। To unlock the success, Kalyan Prakampur.